तकरीबन 20-25 लोग ऐसे थे जिनको टिकट मिला, तो क्या वो सब आपके साथ जाएंगे? अब स्वाभाविक रूप से कौन जाता है कौन नहीं आता है बात करने की बात तय होगा। कब तक तय करेंगे आप चुनाव? कब तक तय? बोल दिया ना, एक दो दिन के अंदर सब तय हो जाएगा। देखिए मैं चुनाव समिति न पहले था न आज हूँ, इसलिए वो महत्व नहीं है। महत्व सम्मान और अपमान का है, उपेक्षा का। की उपेक्षा हुई है, किस तरीके की उपेक्षा हुई? कई और लोग भी तो उपेक्षित महसूस कर रहे होंगे सर, मंत्रिमंडल में आपके साथी। अभी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा जिस तरीके से आरक्षण की धज्जियां उड़ाई गई, आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया, और यहां तक कि शिक्षक भर्ती में इन्होंने बाद में अपनी गलती को स्वीकार करते हुए जो पिछड़ों को वंचित किया गया था उसको अलग से इन्होंने पत्र भी सौंपा, नियुक्ति पत्र भी दिया। और यही नहीं, आज नॉट सुटेबल फॉर फला पोस्ट ये कहकर के उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इंटरव्यू के आधार पर मालूम नहीं कितने आईएएस बनाए गए, इसमें एक भी बैकवर्ड शेड्यूल नहीं है। ऐसी ऐसी तमाम बातें हैं, मैं एक एक करके सबको आपको सामने रखूंगा। बात की बात कर लीजिए, एक दो दिन के अंदर मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा, कहां जाना है कहां नहीं जाना ये भी स्पष्ट कर दूंगा, और साथ ही साथ कुल मिलाकर के कार्यकर्ता और समर्थकों से बातचीत करने के बाद। किसी बड़े नेता का फोन आया बीजेपी के अभी तक आपके पास? फोन लगातार आ रहा है और लगातार आता भी रहे, हम बात भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से भी मिल रहे थे क्या? हर मंच पर ले नहीं, हमने हम इसीलिए मैंने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्नेह प्यार के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन नाराजगी आपकी कहीं ना कहीं क्या? वैचारिक रूप से नाराजगी है। मैं वैचारिक रूप से जो दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे मोटे व्यापारियों के खिलाफ इनका लगातार रवैया है, उसके खिलाफ हमारा ये विरोध। तो बीजेपी 300 प्लस की बात करिए, हो पाएगा 222 में 300 प्लस? अब इसका भी उत्तर दूंगा क्योंकि अब उनको पता लगेगा स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत क्या है, और स्वामी नाराजगी आपके स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे जनाधार कितना है ये 2022 का विधानसभा चुनाव बताएगा। मतलब आप बीजेपी को हराने के लिए अब आप काम करेंगे? मैं हमारा जनाधार कितना है उनको अब आभास होगा जब 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी। जन्मदिन के दिन की जो स्वामी प्रसाद मौर्य से टकराया वो नेस्ता नाबूद हो जाता है स्वाभाविक रूप से। इसका सीधे सीधे आपके पास दृष्टांत है, पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी को बहुत घमंड था कि एको हम दो तीजो नाश, हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं है, और वैचारिक मतभेद पर टकराहट हुई। नतीजा आपने देखा कि आज बहन जी जो चार चार बार मुख्यमंत्री रहा हो आज वो आंकड़े और दहाई पहुंच गया। तो बीजेपी को हराने के लिए आप पूरा कैंपेन करेंगे इस बार समाजवादी पार्टी बीजेपी के हराने के लिए? लेकिन एक वक्त था 1995 में आप ही ने मुलायम सिंह का विरोध भी किया था। परिस्थितियों के अनुसार मैं वैचारिक रूप से किसी से भी टकराता हूँ, सम्मान और स्वाभिमान मेरी पहली थाती है और इससे मैं कोई समझौता नहीं करता। मैं बातचीत कर रहा हूँ लगातार। ये क्या बीजेपी के लिए क्या स्टैंड रहेगा? कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, विधायक भी आ रहा है आपके साथ। हेलो, बीजेपी के लिए क्या मैसेज देंगे? हेलो, बीजेपी के लिए जो मैसेज देना था मैंने दे दिया। देखिए मैंने पत्र में उस बात का उल्लेख कर दिया है कि मैं मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दे रहा हूँ, जिसमें साफ साफ स्पष्ट है कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ जो सरकार की नीति चल रही है, घोर उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, कई बार मंत्रिमंडल में भी और बाहर भी नेताओं से बात किया लेकिन उन लोगों की कार्यशैली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अंततः आज मैं इस्तीफा दिया हूँ। ये बताइए कहा जा रहा है कि आपके लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है, आपके लोगों को टिकट नहीं मिल रहा था इसलिए नाराजगी में आप चले गए? टिकट किसको मिलेगा किसे नहीं मिलेगा मैं तय करूंगा, इसलिए बात इसकी नहीं है। बात अगर टिकट हमें दो गुना दे दें तो भी अगर सम्मान के साथ रहने का अवसर नहीं मिलता तो ऐसे टिकट को मैं बहुत दिनों बाद नाराजगी बताई थी क्या कहीं? आपको 5 साल में समझ में आया ये? असम्मान किसने किया? वैचारिक रूप से दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और साथ ही साथ छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार
का रवैया सदैव रहा है, इस विषय पर बात किया, उसको इग्नोर किया गया, नतीजा हुआ कि आज मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मंत्री जी समय समय पर यहाँ तक कि मंत्रिमंडल में भी मैंने कई बार आप सपा में जाएंगे या अपना अलग अगली अलग पार्टी बनाएंगे? एक बार पूछेंगे या 10 बार पूछेंगे मैं यही बताऊंगा कि कार्यकर्ताओं समर्थकों से बात करने के बाद मेरा अगला निर्णय होगा। आप मेरी तस्वीर अपने साथ भी लगा सकते हैं। अमित शाह बैठक में काशी में गए, जेपी नड्डा आए वहाँ पर भी आप बैठक में रहे, हर जगह आपने बैठक में इस्तीफा देने के पहले मैं किस पार्टी के सभी कार्यक्रमों में एक निष्ठा पूर्वक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा हर जगह पहुंचा। अच्छा ये बताइए कि राजभवन जाएंगे आप इस्तीफा देने? राजभवन मेरा इस्तीफा पहुंच गया है। सरकार किसकी बनती हुई लग रही है आपको अभी आज की स्थिति में? मैं क्लियर पूछ रहा हूँ आपसे, सरकार हम जहाँ रहेंगे वहाँ बनेगी, जहाँ आप रहेंगे वहाँ रहेंगे बाबूजी। अब हम तय करेंगे कहाँ रहेंगे, समाजवादी पार्टी कहीं में तस्वीर तो कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे एक दो दिन में ये भी समाचार आपको मिलेगा। आपकी तस्वीर सामने आ गई है, आपके दिल के करीब है बाबूजी, आपकी तस्वीर सामने आ गई है अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव जी साहब आपकी तस्वीर सामने आई, अब तस्वीर आप लोग ही हमारा अपने साथ कर दे तो हमें कोई भी बता। लेकिन 1995 में जो आपने मुलायम सिंह यादव का विरोध किया था तब आपने कहा था कि इनके साथ नहीं रहना, फिर आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि आप जा रहे हैं। बदले प्रवेश में बदला हुआ निर्णय। और आपकी उपेक्षा क्यों की, इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, आपकी उपेक्षा की वजह क्या लगती है आपको? एक अच्छा खासा वोट बैंक आपके साथ है। अब अगर यही उनको समझ में होता कि बहुत बड़ा जनाधार है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वोट है, तो शायद ये परिस्थितियां भर्ती। अच्छा बीजेपी ने आपका इस्तेमाल किया 5 साल, ये मानेंगे बीजेपी ने इस्तेमाल किया? मुझे किसी नेता विशेष से कोई नाराजगी नहीं है। नहीं बीजेपी ने आपका इस्तेमाल किया ये मानेंगे 5 साल? हमने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो देश के हित में है, गरीबों दलितों पिछड़ों किसानों बेरोजगार नौजवानों छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ है, इसके देखते हुए मैंने इस्तीफा दिया। ये बताइए 5 साल बीजेपी ने आपका इस्तेमाल किया ये मानेंगे? अगला कदम भी एक दो दिन में स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी ने आपका इस्तेमाल किया ये मानेंगे? बातचीत करने में समय लगता है महाराजी, बातचीत करने में। महाराजी 5 साल बीजेपी ने आपका इस्तेमाल किया मानेंगे इस बात को? 5 साल बीजेपी ने इस्तेमाल किया फिर तो? 5 साल मैं अपनी मर्यादा भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्रिमंडल के रूप में मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। और संगमित्रा मौर्य आपकी जो बेटी है वो तो अभी बनी रहेंगी, बीजेपी की सांसद है संगमित्रा मौर्य, वो बनी रहेंगी? स्वाभाविक रूप से एक ही सवाल की पुनरावृत्ति न हो ज्यादा अच्छा रहेगा। बदायूं की सांसद डॉक्टर संगमित्रा मौर्य है और बदायूं की जनता ने जो उन पर जिम्मेदारी दिया है उसका उत्तरदायित्व तो निभाएंगे। अंदर से यह निर्णय मेरा है। अंदर से दुखी हैं आप, आहत हैं आज? क्योंकि तो साथ लेके जाएंगे, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूँ, सरकार में मंत्री मैं हूँ, डॉक्टर संगमित्रा मौर्य नहीं है, इसलिए यह निर्णय मेरा। कुछ लोगों को तो लेके आप साथ जाएंगे, कुछ लोगों को साथ लेके जाएंगे, अंदर से दुखी है। ऐसा नहीं कि आप अकेले जाएंगे, कुछ लोग और जाएंगे, कुछ पार्टी की गलत नीतियों से आहत हूँ, पार्टी की गलत नीतियों से दुखी भी हूँ। आपके साथ कितने लोग और जाएंगे? कितने लोग आपके साथ जाएंगे? वो संख्या लाखों में होती है, इसलिए हम उसको नाम इंगित नहीं कर सकते, क्योंकि जिसकी लाखों की संख्या में है, लाखों का जनाधार जिसका है। पांच छह विधायक ऐसे जिनको मैं जानता हूँ जो आप जहाँ जाएंगे वहीं जाएंगे, अनिल मौर्य, ममतेश शाह, रोशन लाल, क्या ये लोग आपके साथ जाएंगे? कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ, 2 दिन के बाद ये लोग मैं बात करने के बाद मैं तय करूंगा। जब तक है आपने मुझे इंटरव्यू दिया था, सम्मान में आप रहेंगे, सम्मान में कमी क्या? आज मैंने जो इस्तीफा दिया उसका संज्ञान ले, और साथ ही साथ इस्तीफा क्यों दिया उसमें मैंने कारण बता दिया। आपके सम्मान में क्या कमी हुई है बताइए मुझे, सम्मान में आपके क्या कमी हुई बाबूजी? आपके सम्मान में कमी किसने की? आपने मुझे बताया था कि आप रहेंगे यहाँ पर, और अभी भारतीय जनता पार्टी से ये रीजन आप नहीं बता रहे। सबसे बड़ी खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया है, तो मैं अगर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी को झटका दे रहा हूँ तो कौन सी नई बात? ऐसी क्या बड़ी दिक्कत रही है जिसकी वजह से बीजेपी का मैंने तो सभी तथ्यों का उल्लेख की आपके सामने लखनऊ से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान भारत समाज